आपको जिंदा होने का सबूत पेश किया। जिस तरीके से कोई उधर जाओ मत, अभी यहाँ दो तीन घंटा प्रोग्राम चलेगा, सब और जिस तरीके से ये सरकार एक बिल लेके आई है जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है। जो आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसका पूरा उल्लंघन करते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है लोकसभा में। वजूद के लिए, अपने मयार के लिए, अपनी माँ और बहनों की अजमतों के लिए यूनिवर्सिटी सर्कल पहुंचिए और दिल्ली की तरफ रुख करिए। अपनी बात को एक शेर से खत्म करना चाहूंगा।
कि वतन की फिक्र करें ना, तो मुसीबत आने वाली है, दिली बर्बादियों की। अभी पीसी साहब से बात हुई है, उनसे कहा गया है कल और परसों का एग्जाम पोस्टपोन करिए, जिस दिन एग्जाम खत्म हो रहे हैं उसके बाद रखिए, ये बात उनसे कही गई है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चों के रिजर्वेशन हो चुके हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये कहा सारे ही बच्चे यहाँ मौजूद हैं, चाहे तो LIU से और डॉक्टर से पता करवा लीजिए आप। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा उसमें कि हम कंट्रोलर से बात कर लें। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और ना समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल चमन वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आला। भाई भाई शाहजनी भाई से हमारे सीनियर अबुल फराज शाहजनी यहाँ मौजूद है, हम उनसे गुजारिश करते हैं तू आए यहाँ पर। ये नारा कितना प्यारा है कि ये आजाद भारत है, मगर हक गोइयों पर पाबंदियाँ कुछ और कहती हैं। यहाँ हम यकजा दिया जाते हैं सबको, लेकिन मेरी कौम की महरूमियाँ कुछ और कहती हैं। मैं भाई कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, न मैं कोई वो हूँ यहाँ पे वोट मांगने आया। मैं मेरे माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जंगल में आग लगी हुई थी और सारे जंगल के जानवर उस आग को तमाशा देख रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गुरैया अपनी चोंच में पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो जंगल के जानवरों ने कहा कि गुरैया क्या तू अपनी चोंच से इस आग को बुझा देगी। तो गुरैया ने जवाब दिया था कि मुझे पता है मेरे पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं आएगा। चाहे मेरी आवाज से कुछ हो या ना हो, लेकिन कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं इसके खिलाफ था, अपने कौम के लिए लड़ रहा था, अपने कौम को जगा रहा था। यही बात हम सबकी है। अगर हम आज खामोश रहे और चुप रहे और हमने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो क्या रिक्शा चलाने वाला बोलेगा, एक मजदूरी करने वाला बोलेगा, या जो अनपढ़ है गुंडा लगाने वाले हैं वो बोलेंगे? हमको बोलना होगा।